सो है गाइस, दिस इज कमिल एंड यू आर वाचिंग के प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। सो गाइस, किस वीडियो पर मैं आपको दिखाई कैसे आप अपनी इंस्टाग्राम की रील्स वीडियो पर इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो, लाइक एक्शन इफेक्ट, इसके अलावा मोशन इफेक्ट, इसके अलावा शेकी इफेक्ट और भी बहुत तरह तरह के इफेक्ट आपको इंस्टाग्राम की रील्स वीडियो पर देखने के लिए मिलेगा। तो इस वीडियो पर मैं आपको पूरा ट्यूटोरियल दिखाई है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना और स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ बीएन वीडियो एडिटर एप्लीकेशन में। तो बीएन ऐप ओपन करने के बाद आपको यहाँ से क्या करना है, प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करना है। और अगर आपके पास बीएन वीडियो एडिटर एप्लीकेशन नहीं है तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, वहाँ से आप बीएन वीडियो एडिटर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। एंड यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपनी वीडियो को चूज कर लेना है जिसको आप एडिट करना चाहते हो, जिसमें आप इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हो। तो ये मैंने अपना वीडियो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको ये जो एरो का ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है, तो वीडियो आपका आ जाएगा बीएन वीडियो एडिटर एप्लीकेशन में एज यू कैन सी हियर। सबसे पहले आपको राइट पे स्क्रॉल करना है और ये जो आपको ब्लैंक पार्ट दिखाई दे रहा है जिसमें वाटरमार्क होता है, सो इसको आपको डिलीट के ऊपर क्लिक करके डिलीट कर लेना है। ठीक है, तो ये डिलीट हो जाएगा, आप देख सकते हो। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से मैं आपको इस वीडियो को एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो हमारा वीडियो कुछ इस टाइप का है। अभी मैं चाह रहा हूँ कि इसमें यहाँ पर मैं इफेक्ट ऐड करूँ। तो इफेक्ट ऐड करने से पहले जहाँ पर भी आप इफेक्ट ऐड करना चाहते हो, स्पेसिफिक उस क्लिप को आपको सेपरेट कर लेना है। तो किस तरीके से करना है, इसके लिए स्प्लिट के ऊपर क्लिक करना है। तो ये आप देख सकते हो ये सेपरेट हो चुका है। दोबारा से हमें क्या करना है, इसको सेपरेट करना है पूरा। ओके, मान के चलो ये इस क्लिप के अंदर मैं इफेक्ट अप्लाई करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं दोबारा कर देता हूँ स्प्लिट। तो ये बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। एंड देन आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है नीचे, आप देख सकते हो एफेक्ट्स, सिंपली आपको एफेक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ढेर सारा इफेक्ट मिलता है, जैसे कि आपको ब्लैक मिलता है इफेक्ट, व्हाइट मिलता है, इसके अलावा स्पिन मिलता है, रोटेट मिलता है। यहाँ पर आपको सभी तरह के इफेक्ट मिल जाएगा, जितने भी इफेक्ट आप इंस्टाग्राम की रील्स वीडियो पर देखते हो उन सब इफेक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इस एप्लीकेशन से सभी रील्स वीडियो पर इफेक्ट अप्लाई किया जाता है, तो यहाँ से आप भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ से हम अप्लाई कर लेते कोई इफेक्ट को, मान के चलो मुझे ये वाला इफेक्ट अच्छा लग रहा है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। ओके, तो आप देख सकते हो हमारी वीडियो पर इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। आप चाहो तो इसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ाइए, छोटा कर सकते हो। तो आप देख सकते हो, तो ये हमने अपनी वीडियो पर इफेक्ट अप्लाई कर लिया। लाइक आप यहाँ से कोई दूसरा इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो, बहुत सारा मिलेगा, जो भी आपको अच्छा लगता है उसको आप अप्लाई कर लेंगे। तो ये हमारा सबसे पहला इफेक्ट आ चुका है, तो इसको मैं आपको एक बार दिखाता हूँ प्ले करके दोबारा से। ओके, आप देख सकते हो काफ़ी स्मूथ एक इफेक्ट हमारी वीडियो पर अप्लाई हो चुका है। अभी मान के चलो यहाँ पर हम अपना दूसरा इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए स्प्लिट के ऊपर क्लिक करना है, दोबारा से अपनी वीडियो को प्ले करना है और यहाँ पर दोबारा स्प्लिट कर लेना। लाइक इसमें हमें इफेक्ट ऐड करना है, इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है और आप कुछ इस टाइप का भी इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो अपनी वीडियो पर या इस टाइप का। सो बेसिकली इस टाइप का इफेक्ट काफ़ी कम यूज़ किया जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस तरीके की इफेक्ट अप्लाई कर सकते, लेकिन ज़्यादातर ट्रेंड में चल रहा है लाइक इस तरीके की इफेक्ट। सो इस तरीके का, इसके अलावा इस तरीके का, और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है जैसे कि फ्लैश इफेक्ट एंड जूम इफेक्ट। सो इस पर हम फ्लैश को अप्लाई करते और इसका टाइम ड्यूरेशन को हम बड़ा कर लेते। ठीक है, सो अभी कर देते हैं डन। तो ये हमारा दूसरा इफेक्ट अप्लाई हो चुका है, एक बार प्ले करके आपको दिखाता हूँ। सो ये आप देख सकते हो हमने सेकंड इफेक्ट अप्लाई कर लिया। अभी यहाँ पर क्या करना है, दोबारा से स्प्लिट करना है। इस बार मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर जो प्लस आइकन आ रहा है, सिंपली प्लस आइकन के ऊपर आपको क्लिक करना है। सो प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ ट्रांजिशन मिलता है, यहाँ से आप जो है अपनी वीडियो पर ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो, लाइक बिल्कुल इफेक्ट जैसा होगा इस तरीके का। सो ये आप देख सकते हो। सो इसका टाइम ड्यूरेशन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए, लाइक आप इस तरीके स्मूथ इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इनको कहते हैं ट्रांजिशन इफेक्ट। सो इसको हम अप्लाई कर लेते हैं जस्ट आपको दिखाने के लिए। ओके, सो अभी हम यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर भी हमें इफेक्ट अप्लाई करना है। ओके, तो यहाँ पर कर लेते हैं स्प्लिट। उसके बाद हमें इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से जो भी इफेक्ट आपको अच्छा लगता है, लाइक इसको अगर आपको अच्छा लग रहा है ये वाला, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। सो अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगता है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने इसको अप्लाई कर लिया, इसको कर देते हैं डन। सो एक बार प्ले करके देखते हैं कि ये इफेक्ट कैसा है। सो
सो ये आप देख सकते हो, ये भी काफ़ी स्मूथ इफेक्ट है और काफ़ी बेहतरीन इफेक्ट है। और अगर आप सोच रहे हो कि इसमें अगर हम स्लो मोशन करना चाहेंगे तो कैसे कर सकते, तो डोंट वरी, स्लो मोशन काफ़ी आसानी से कर सकते हो। इसके लिए स्पीड क्यूब और क्लिक करना है और यहाँ से आप जो ये जो डॉट दिखाई दे रहे हैं इनको आपको नीचे की तरफ लेके आना है, तो आपकी वीडियो की उस पॉइंट पर जो स्लो मोशन ऐड हो जाएगा। जहाँ पर आप फास्ट मोशन करना चाहते हो, अपने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करना चाहते हो, उस पॉइंट को आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ लेके जाना है तो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा। उसके बाद दोबारा आप स्लो मोशन मान के चलो करना चाहते हो तो आप इसको नीचे लेके आ जाएंगे। तो बेसिकली इस तरीके से अगर आप कोई बड़ा सा क्लिप जो है स्लो मोशन करना चाहते हो तो आप उसको क्या करना, आपको इसे बड़ा कर लेना है लाइक इस तरीके से। सो इस तरीके से ये बड़े क्लिप के अंदर स्लो मोशन ऐड हो जाएगा। अगर आप फास्ट मोशन बड़े क्लिप के अंदर करना चाहते हो तो आप इस तरीके से इसको बड़ा कर लेंगे लाइक इस तरीके से, तो आपका जो क्लिप है फास्ट मोशन हो जाएगा। सो बेसिकली आप ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है। अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इस तरीके से आप इसके अंदर जो इजीली अपनी वीडियो को स्लो मोशन कर सकते हो। सो इफेक्ट सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया अप्लाई करके कि इस तरीके से कैसे क्या करना है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो को कैसे आप सेव कर सकते हो। तो इसके लिए आपको एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आप कोई भी रेजोल्यूशन चूज़ कर लेंगे, लाइक मैं यहाँ से चूज़ करता हूँ 4K और FPS में यहाँ से 60 FPS को चूज़ करता हूँ। एंड नीचे आपको टिक मार्क ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो वीडियो आपकी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। तो बेसिकली इस तरीके से आप अपने इंस्टाग्राम की रील्स वीडियो पर इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।